हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट्स फ्रॉम प्रगति में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके लिए एक लोरी स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को बनाने का कोई ख़ास मोटिव नहीं था, ये मैंने अपने बेटे के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनवाया था। सो मैंने सोचा मेरे जैसी और भी मॉम्स होंगी जिनके इस बच्चे के स्कूल में यह प्रोजेक्ट दिया गया होगा, तो उनको कुछ हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस लोरी के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें पहले छोटी छोटी कटिंग्स हैं उनको कट कर लेना है ड्रॉ करके। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक काइट ड्रॉ कर रही हूँ, और ये मैंने यहाँ पर फायर का येलो और रेड कलर का ऊपर का जो बेस है वो रेडी किया है, और यहाँ पर मैंने एक बाउल रेड कलर का कट किया है, और यहाँ पर मैं ये लड्डू बना रही हूँ। मतलब गोल गोल सर्कल शेप में बना लेंगे पेंसिल से और उसी को कट कर लेंगे। बस कलरफुल छोटी छोटी चीज़ें हमें कट कर लेनी है और बस उसी को पेपर पे हम पेस्ट करेंगे। तो ये पूरा जो क्राफ्ट है पेपर और जो ओरिगामी पेपर आते हैं कलरफुल पेपर, उसी से बनाने वाली हूँ मैं। तो वही हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ड्रॉ करके कट करना है, जैसे कि लड्डू हो गए, ग्लास हो गए, गन्ने का पेड़ हो गया, ढोल हो गया, जो हम लोरी में यूज़ करते हैं। और अब मैंने यहाँ पर ये फायर के बेस को रेडी करने के लिए कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और जैसे नीचे फायर का बेस होता है उस टाइप का कुछ यहाँ पर शेप दे दिया है। और ये मैंने यहाँ पर गन्ने के जो पेड़ हैं उसी को कट कर लिया है, और कट करने के बाद जस्ट मैं पेपर पे इनको पेस्ट करके देख रही हूँ कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। आप कोई भी पंजाबी मैन या वुमेन की पिक्चर ले सकते हैं, या फिर खुद भी ड्रॉ करके कट कर लीजिए, तो उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं ढोल बजाते हुए, जैसे पंजाबी लोग होते हैं जहाँ पर लोरी में वो लोग ढोल बजाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी पंजाबी मैन या वुमेन तो नहीं कट किया है, मैंने सिर्फ ढोल की पिक्चर यहाँ पर लगाई है। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बस जस्ट आइडिया आपको मिल जाएगा। और नीचे देखिए सबसे लास्ट में मैंने लगाई हैं ये छोटी छोटी येलो कलर के कट कर लिए हैं, ये गेहूं की बाली हैं। और ये यहाँ पर मैं कलरफुल मैंने काइट्स यानी कि पतंग कट कर लिए हैं। आप और भी तरह के डिज़ाइन या पैटर्न बना सकते हैं पतंग के। और बस इन्हीं सबको मैं बस रख के देख रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी, और सब रखने के बाद हम यहाँ पर फेविकॉल से इनको पेस्ट कर लेंगे। तो बहुत ही इजी और सिंपल हमारा जो ये लोरी का प्रोजेक्ट है वो रेडी हो जाएगा। पर जो कटिंग को पेस्ट किया है उनको और इन्हेंस करने के लिए मैं इन पे आउटलाइन कर दूंगी, और थोड़ा सा ऊपर से इनमें डिज़ाइन दे दूंगी, जैसे कि यहाँ पर गन्ने के पेड़ में, और यहाँ पर ये ग्लास, और जैसे काइट हैं उन पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगी। तो वो थोड़ा सा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको और इन्हेंस कर देंगे। बस यहाँ पर मैंने उसको आउटलाइन किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक आप कर ही देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।